हेलो स्टूडेंट, कक्षा 7। तो स्टूडेंट, काव्य 5 में हमने प्रश्न 2 और लेख देख लिया। तो अब हम प्रश्न 2 ब की ओर जाएंगे और दूसरा है प्रश्न 3, जो हमारा टेक्स्ट बुक के रिलेटेड व्याकरण होता है वो। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रथम हम प्रश्न 2 ब देखेंगे, उनके बाद व्याकरण में जाएंगे स्टूडेंट। तो आइए, तो यहाँ पे हमें 4-5 वाक्य में उत्तर लिखना है। उसमें नंबर 1 है, मनुष्य क्या कर सकता है। उत्तर है, मनुष्य पहाड़ को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इसी प्रकार मनुष्य असंभव को संभव कर सकता है। नंबर 2 है, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है। उत्तर, मनुष्य वाणी में बड़ी शक्ति है, वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। 3 नंबर, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है। उत्तर है, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है, दुनिया में बढ़ने वाले पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदल जा सकता है। 4 नंबर है, मनुष्य जीवों से मनुष्य महान कैसे हैं। उत्तर, मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है, इसी बुद्धि के द्वारा उसने आविष्कार किए हैं, मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है, उसके पास भाषा की शक्ति है, इसके बल पर उसने सजयता और सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है, इसी प्रकार मनुष्य अन्य जीवों से महान है। तो स्टूडेंट, अब आपकी प्रश्न 3, जो आपके टेक्स्ट बुक में व्याकरण है, आपको पता ही है कि हम व्याकरण टेक्स्ट बुक में से करते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक निकालिए और जो मैंने लिखा है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हैं। तो उसमें नंबर 3 में ऐसे लिखा है, उच्चारण कीजिए और शब्द कोश के अर्थ लिखिए। तो हमें समान अर्थ उसके बताने हैं, तो जैसे मैं उच्चारण कर रही हूँ आप भी सुनिए। नंबर 1 में है हृष्ट पृष्ट, तो उन्हें बोला जाता है तगड़ा। 2 नंबर में है संवाद यानी बातचीत। 3 नंबर में है शीघ्र यानी कि जल्दी। 4 नंबर में है जौहर पराक्रम। 5 नंबर में है अजनबी यानी कि अपरिचित व्यक्ति जो होते हैं अजनबी। 6 नंबर में है वेदान ब्रह्म विद्या। 7 नंबर में है मुकंदर यानी होता है भाग्य। शागिर्द यानी शिष्य वृत्ति होता है मनोदशा। 10 नंबर में है स्पष्ट यानी कि साफ साफ। उनके पीछे करिए स्टूडेंट, तो आपको लिखा गया है उसमें उचित जोड़ मिलाइए। तो स्टूडेंट, आप अपनी टेक्स्ट बुक में अवश्य ये उचित जोड़े मिलाओगे। मैंने नंबर भी लिखा है, आपको जो लिखना है वह कर सकते हो आप। तो उसमें नंबर 1 है, मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। 2 नंबर है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। 3 नंबर, मनुष्य की भुकुटी में, तो इसमें आएगा 3 नंबर, मनुष्य की भुकुटी में तांडव का ताल है। 4 नंबर, मनुष्य की वाणी में 4 नंबर का युग का आह्वान है। 5 नंबर, मनुष्य की छाती में महाकाल है। फिर प्रश्न 3 को अभी हमारे जो सही जोड़ मिला है उनके नीचे थे MCQ, तो वो हमने नोट में कर लिए हैं पहले से ही फर्स्ट। अब आएगा विरोधार्थी शब्द, तो उसमें उसके वाक्य भी बनाना है अपने आप बना सकते हैं, उदाहरण दिया गया है।
तो प्रथम लिखा है धरती, तो उनका होता है आकाश, तो वाक्य बनाए हैं पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। नंबर एक है अमरूद, तो होगा विष, तो हम विष के ऐसे वाक्य बनाना है आपको। दो नंबर वरदान, अभिशाप, ऊंचा नीचा। चार नंबर पाप पुण्य। पांच नंबर जीवन मृत्यु। तो यहाँ पे हमारा तीन ड है, उसमें लिखा है कि शब्द को शब्द क्रम में रख कर उनके अर्थ शब्द कोश में और जानिए, यानी हमें पहले उनके अर्थ लिखने हैं, फिर उन्हें नहीं पहले शब्द क्रम में उसी क्रम में लिखना है, फिर उनके समान अर्थ जो शब्द कोश में वह लिखना है। तो मैंने पहले शब्द क्रम में लिखे हैं, तो प्रथम हमारा अ से स्टार्ट होता है, जो वर्ण व्यंजन से स्टार्ट होता है, स्वर बाद में आएंगे, तो आईना, फिर आएगा क्षति, फिर आएगा झंकार, फिर आएगा तूफान, उनके बाद आएगा नयन, वरदान एंड सिस। ये मैंने शब्द क्रम में रखे हैं, फिर उनके नीचे जो मैंने लिखे हैं वह है शब्द कोश के क्रम में शब्द के अर्थ समान। आईना का समान अर्थ है दर्पण, क्षति का समान अर्थ होता है हानि, झंकार उनका समान अर्थ होता है पायल, तूफान उनका समान अर्थ होता है आंधी, नयन नेत्र, वरदान कृपा, शीश मस्तक। तो हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज थी, और काव्य पांच की जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने देख ली और पूर्ण हुई। तो अब हमारा नेक्स्ट आपको मैं रिवीजन की पीडीएफ भेजूंगी, वह आपको नोट में चैप्टर पूर्ण होने के बाद रिवीजन स्टार्ट करके लिखना होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।